द क्लासिकल पैसेमिस्ट टू जब हम ग्रोथ थ्योरीज को डिस्कस करते हैं तो वहां पे हमने बात की देर आर टू टाइप्स ऑफ दॉट एक को हमने कहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर ऑप्टेमिस्ट फिर हमने थोड़ी सी बात की कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर पैसेमिस्ट जो कार्ल मार्क्स है दैट इज ऑल्सो अ पैसेमिस्ट उसने भी क्या प्रिडिक्ट किया मार्क्स बेसिकली मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट दफ कैपिटलिज्म हमने ये जो आप कह लें कि देयर इज डिक्लाइन इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ अमंग कैपिटलिस्ट हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया अंडर स्मिथ कि स्मिथ ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया आलथो ही इज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द डिक्लाइन इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ़ द कम्पिटिशन अमंग कैपिटलिस्ट क्योंकि वो साथ में एक और भी बात करता था कि देयर इज इट माइट बी पॉसिबल देयर इज नो डिक्लाइन इन प्रॉफिट वेन इन्वेस्टमेंट इज कैरीड आउट ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज फिर इसी तरह जब हमने रिकॉर्डो में हमने ये सारी डिस्कशन देखी तो वहां पे हमने एक ऑब्जर्व किया देयर इज डिक्लाइन इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ डिमिशिंग रिटर्न टू लैंड और यहां पे ये जो प्रॉफिट था आपका आप कह लें जीरो हो गया नेट प्रॉफिट बिकम जीरो वेन आउटपुट आपका जो आपके पास आउटपुट था दैट इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्ट कि यहाँ आप जो कह लें जो आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट थी दैट बिकम्स इक्वल टू सबसिस्टेंस वेजेस फिर इसी पैटर्न पे जब हम मार्क्स के रेफरेंस में ये सारी डिस्कशन करेंगे तो यहां पे भी क्या है द इकोनॉमी डज नॉट ग्रो फॉर एवर और बट यहां पे जो आप कह लें एक एंड आपका ऑब्जर्व होगा दैट दैट डज नॉट कम फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट लेकिन यहां पे जो क्राइसिस अराइज होगा दैट इज एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन एंड सोशल अपेवल अब जब हम मार्क्स के रेफरेंस में बात करेंगे यहां पे भी क्या है कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट सरप्लस इज द सोर्स ऑफ कैपिटल इकामुलेशन और यही बात आप कहें बाकी सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी करते रहे कि इट इज द कैपिटलिस्ट सरप्लस दैट रिजल्ट्स इन कैपिटल इकामेशन लेकिन मार्क्स मॉडल में क्या है कि यहां पे ग्रॉस आउटपुट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट हमने इस ग्रॉस आउटपुट को आपके एक को हमने कहा वेरिएबल कैपिटल जिसको हम बात करते हैं दैट इज द वेज दिल फिर हमने यहां पे कांस्टेंट कैपिटल की बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट कैपिटल इज द लैंड एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन फिर यहीं पे हम बात करते हैं अबाउट सरप्लस वैल्यू जब आप सरप्लस वैल्यू की अब यहाँ पे जो वेजेस ऑफ द लेबर हैं दैट इज डिटर्मंड बाई मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल और यहाँ पे भी क्या है देयर इज देयर इज अबंड लेबर सप्लाई और जो सरप्लस वैल्यू दैट इज इक्वल टू आउटपुट पर वर्कर माइनस मिनिमम वेज पर वर्कर जब हम बात करते हैं रेट ऑफ सर सरप्लस वैल्यू की इन अदर वर्ड जिसको हम कहेंगे दैट इज द डिग्री ऑफ एक्सप्लॉर्टेशन इट इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू ओवर वेरिएबल कैपिटल जिसको हमने बात की थी वेरिएबल कैपिटल वेज बिल फिर इसी तरह जब आप रेट ऑफ प्रॉफिट की बात करोगे इट इज द रेशियो ऑफ सरप्लस ओवर टोटल कैपिटल और यहां पर जो टोटल कैपिटल है ट इज इक्वल टू वेरिएबल कैपिटल प्लस कॉन्स्टेंट कैपिटल और कॉन्स्टेंट कैपिटल को हमने कहा था इट रेफर और वेरिएबल कैपिटल रेफर अगर इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो अल्टीमेटली यह बनता है एस ओवर वी डिवाइडेड बाई वन प्लस सी ओवर वी और इस एक्सप्रेशन में सी ओवर वी आपके पास डिनोट कर रहे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अब इस सारे रिलेशनशिप को अगर हम देखें आपका रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करेगा इफ सरपल वैल्यू इंक्रीजेस और आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज करेगा जब आपके पास वेरिएबल कैपिटल एंड कांस्टेंट कैपिटल इंक्रीज करेगा या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस इफ रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इंक्रीजेस और अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल इंक्रीज करेगा इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग इनिशियल फेज इनिशियली क्या होता है देर इज सरप्लस लेबर हाँ जी बिकॉज ऑफ कैपिटल एकोमोलेशन बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल एकोमोलेशन लेबर इज अवेलेबल टू रन दैट कैपिटल एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट लेकिन जब आप कह लें कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है कैपिटल एकोमोलेशन का तो आपके पास जो लेबर है दैट लेबर इज नॉट अवेलेबल ऑन द सब्सिस्टेंस वेज लेवल देर इज इंक्रीज इन वेजेस अब कैपिटलिस्ट यहाँ पे क्या करेगा यहाँ तो आप कह लें कुछ इस तरह की पॉलिसी फार्मूलेट करेगा जिसमें आपके पास लेबर की वेजेस को वो आप कह लें कि कुछ कंट्रोल करेगा उसको कुछ लोअर एंड पे रखेगा या वो उसको लोअर एंड पे रखेगा इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी लेबर कि ऑलरेडी वेजेज तो सबसिस्टेंस लेवल पे थी उनको मजदूर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा इट हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लेबर हाँ, कुछ वो इस पैटर्न पे इस पैटर्न पे मूव कर सकता है कि बिकॉज़ ऑफ़ कैपिटल वो अब यहां पे लेबर को रिप्लेस कर दे विद कैपिटल वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाए जब वो कैपिटल इंटेंसिव होगा तो इसके इसकी वजह से क्या होगा देयर इज डिक्रीज इन रेट ऑफ प्रॉफिट एज टेक्निक प्रोडक्शन बिकम्स मोर कैपिटल इंटेंसिव द रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल्स हाँ ये आप कह लें आप ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट हमने फॉल की बात की इट माइट बी पॉसिबल देर इज नो फॉल रेट ऑफ प्रॉफिट इफ देयर इज अ राइज इन सरप्लस वैल्यू और इस एक्सप्रेशन में देयर इज अ लिमिट ऑन एस ओवर वी लेकिन जब आप ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात करोगे देन देयर इज नो लिमिट ऑन द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अब जब लेबर को आप कह लें सब्सिट्यूट जब कैपिटल इज सब्सिट्यूटेड फॉर लेबर क्या जी वेन देर इज नो सरप्लस लेबर देर इज इंक्रीज इन वेज रेट ऑफ द लेबर तो अब वहां पे क्या है कैपिटल इज सब्सिट्यूटेड फॉर लेबर जब कैपिटल को सब्सिट्यूट किया जाएगा विद लेबर तो लेबर इज नॉट इन अ पोजिशन टू कंज्यूम ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और जब कंज्यूमर इज नॉट इन अ इनिशन टू यूज ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इट काज अ फेलियर ऑफ द इफेक्टिव डिमांड देर इज नो डिमेंड फॉर द गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री और अल्टीमेटली क्या होगा व्हेन देर इज नो डिमांड फॉर द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द कैपिटलिस्ट इवेंचुअली कोलेपस और यहां पर जो आपकी पावर है इट पासिस टू दर्किंग क्लास बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल बेनिफिट फ्रॉम कैपिटलिज्म और यहां पे ये इसको रिप्लेस कर देगा विद सोशलिज्म जो आपके पास वर्कर्स होंगे दे विल ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज वेन देयर इज नो इफेक्टिव डिमांड देयर इज सरप्लस ऑफ आउटपुट इन द मार्केट देयर इज गुड्स इन द मार्केट दैट इज दैट आर अवेलेबल टू दैट आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन लेकिन वहां पे कोई विलिंग ही नहीं है उसको कंज्यूम करने के लिए क्योंकि लेबर हैज नॉट द कैपेसिटी टू परचेज दो गुड्स देर इज नो इफेक्टिव डिमांड तो यहां पे क्या होगा कैपिटलिज्म इज रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म लेकिन अगेन जो मार्क्स ने प्रिडिक्शन की कि देर विल बी ए सोशलिज्म ये भी आप कह लें रियलाइज नहीं हुई क्यों नहीं हुई कि इन मार्क्स वर्क देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस हमने तो वहां पे बात की देयर इज इंक्रीज इन वेजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वेजेस देयर इज मोर प्रोडक्शन कैपिटल मूव टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकिन अब यहां पे जो हम इंक्राइज इन मनी वेजेस की बात करते हैं दैट राइज इन वेजेस इन मॉनेटरी टर्म्स आर इन रियल टर्म्स इफ इंक्रीज इन रियल वेजेस के जो भी आपके पास इंक्रीज इन रियल वेजेस है

टेक्निकल प्रोग्रेस का इंपैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट कि यहां पे मार्क्स बेसिकलीस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी और यहां पे इवन इफ सी ओवर वी इंक्रीज राइजेज रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा रिमेन अनचेंज आल तो जो आपके पास कैपिटल इंटेंसिव हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस सीओवर वी राइजेस के सी किस को रेफर करता है कॉन्स्टेंट कैपिटल को वी वेरिएबल कैपिटल जो आपके पास वेजेज हैं कि इवन इफ सी ओवर वी राइजेस रेट ऑफ प्रोफिट मे रिमेन अनचेंज किस सिचुएशन में इफ टेक्निकल प्रोग्रेस एक्सीड द रेट ऑफ वेज ग्रोथ बाई द सेम अमाउंट